हाय एवरीवन, वेलकम टू सीमा जी इटली। आज मैं आपको ब्लैक स्कार्स के बारे में बताऊंगी, जो पिंपल्स के बाद हो जाते हैं और काले काले स्पॉट हो जाते हैं, पिंपल्स के निशान, उनको आप कैसे रिमूव करो। और जो पिंपल्स हैं वो भी इससे जाते हैं। बहुत अच्छा पैक है, होममेड, ऐसे 100% आपके ब्लैक स्कार्स और ब्लैक स्पॉट सब चले जाएंगे, काले निशान, पिंपल्स के दाग धब्बे सब रिमूव होते हैं और पिंपल्स भी निकलना बंद हो जाते हैं। तो ये पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा पैक है, आप यूज़ करके देखो, और होममेड है, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने लिया है, तुलसी और नीम का पैक है। इसको हमने छाँ में सुखा ली थी, तुलसी और नीम, इसका हमने पैक बना लिया। इसमें नीम ज़्यादा है, नीम की पत्तियाँ, और तुलसी कम। फिर ये हमने जायफल लिया। जायफल इस तरह से आता है, आपको मार्केट में पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपका किचन का सामान मिलता है वहाँ से आपको ये जायफल मिल जाएगा। इसको आप पत्थर पे भी घिस के लगा सकते हो, जहाँ जहाँ स्कार्स है वहाँ वहाँ पर आप लगा सकते हो, और ये इस तरह से इसका पाउडर भी बना लेते हैं। तो ये इस तरह से होता है जायफल, और इसका ये हमने पाउडर बनाया है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। एक कांच की बाउल लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ये पाउडर लेंगे, नीम और तुलसी का। इसमें हम चुटकी भर जायफल डालेंगे, इतना सा। और इसमें हम एक चम्मच दही डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। दही स्किन को ऑयली करता है, लेकिन दही से निशान बहुत जल्दी जाते हैं, और पिंपल्स वालों के लिए ये भ्रांतियाँ होती हैं कि दही से दाने निकलते हैं या पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। दही से दाने कुछ नहीं निकलेंगे, दही आपकी स्किन को लाइट करता है, स्किन के टोन को लाइट करता है। दही में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज अच्छी मात्रा में होती है, तो इससे आपकी स्किन को लाइट करता है और आपकी स्किन को बहुत फायदा करता है। तो ये आप बिल्कुल ना सोचिए कि आपके पिंपल्स हैं तो आप दही नहीं लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जहाँ पर भी पिंपल्स हैं वहाँ हम इस तरह से लगा लेंगे, और लगा के छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, इस तरह से हम लगा के छोड़ देंगे। जब ये सूखने लगेगा तो हम इसको हल्के हल्के से राउंड राउंड बहुत हल्के से मसाज करेंगे। अगर आपके पिंपल्स में पस है तब हम मसाज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मसाज नहीं करेंगे। अगर आपके फेस पिंपल्स में जो छोटे छोटे से दाने होते हैं फेस पे, उसमें पस पड़ जाता है वाइट वाइट सा, तब बिल्कुल भी मसाज नहीं करेंगे। तब इसको सिर्फ लगा कर हम छोड़ देंगे, और थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से या प्लेन वाटर से हम स्किन को साफ कर देते हैं। अगर आपके पिंपल्स में मतलब पस नहीं है और छोटे छोटे से सूखे से हैं, सूख जाते हैं जो, तो उनके लिए आप इनको इस तरह से मसाज करिएगा, हल्के हल्के, बहुत लाइट है, हाथ से आपको मसाज करनी है। इस तरह से मसाज करेंगे राउंड राउंड राउंड, जैसे हमने अपने फेशियल स्ट्रोक में आपको दिखाया हुआ है कि फेस पे कैसे मसाज करनी है, बस इसमें इस तरह से हल्के से मसाज करके फिर क्लीन कर देना। आप देखोगे कि आपके 5-6 दिन में आपके पिंपल्स के दाग हल्के होने लगेंगे और आपके पिंपल्स भी सूख जाएंगे। ये मेरा बिल्कुल गारंटेड आपको ये मैं पैक बता रही हूँ, आप इसको यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छा पैक है, और आपके 100% आपके पिंपल्स चले जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे। नीम और तुलसी का पैक बनाने के लिए आप मार्केट से भी ला सकते हो, मार्केट में मिलती है नीम और तुलसी का पाउडर, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहो तो आप नीम और तुलसी के पत्तों को सुखा लो, नीम की पत्तियां ज्यादा होंगी और तुलसी की कम होंगी, इनको आप सुखा कर ग्राइंडर में पीस लो, और उसके बाद उसको छान के आप उसका पाउडर बना लो, और दही डाल लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप दही की जगह गुलाब जल ले लो, लेकिन दही पिंपल्स वालों के लिए नुकसान करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे आपके स्पॉट काफ़ी हल्के होते जाएंगे। और एक आप ये भी कर सकते हो कि इसमें आप खीरे का जूस भी मिला सकते हो,
और नहीं तो आप गुलाब जल, तुलसी, आप तुलसी, नीम और जायफल, ये इसका पैक बहुत ही अच्छा है, आप यूज करके देखिए। अगर आपको ये मेरा पैक अच्छा लगे तो प्लीज आगे इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और लोगों का भी फायदा हो जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीमा जेटली के नाम से। और इस पैक को यूज करने के बाद बहुत सारे कमेंट्स करिएगा कि आपको ये पैक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।